वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का 9 बज रहा है और सुबह सुबह आजकल मैंने रेगुलरली स्टार्ट कर दिया है इस तरह से प्राणायाम करना, जिससे कि माइंड भी सही रहे और एकदम ब्रेन भी अलाइन रहे। और अभी मैं जाऊंगी डायरेक्टली ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि सुबह उठने के बाद वही थोड़ा सा क्लीन इन करके मेरा फर्स्ट काम रहता है ये कम्प्लीट करूँ एम्प्टी स्टमक एंड देन स्टार्ट हैविंग माई ब्रेकफास्ट। ये विंटर का ऑलरेडी ऑनसेट हो गया है यहाँ पे, तो अभी थोड़ा सा विंटर स्पेशल फूड वगैरह बनना भी शुरू हो गया है। लास्ट 3 दिन से हमारे यहाँ बन रहा है साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। एक्चुअली एक बार अगर आप बैटर बना लो ना तो फिर 2 से 3 दिन तो कम से कम चलता है। तो फर्स्ट डे बनाया था मसाला डोसा, कल बनाया था उत्तपम और आज फिर बनाऊंगी उत्तपम। एक्चुअली मुझे मन था बीच में इडली सांभर बनाने का, बट हिया को आजकल उतना आई थिंक इडली सांभर पसंद नहीं आ रहा है। वो होता है ना कभी कभी टेस्ट चेंज, तो उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है उत्तपम और डोसा, तो इसलिए आज भी वही बनाऊंगी। बट ये हुआ था कि थोड़ा सा जो बैटर है वो कम पड़ रहा था हम तीनों के लिए, तो मैं जब ऐसा होता है ना तो उसमें ऐड कर देती हूँ लिटिल बिट ऑफ सूजी और थोड़ा सा दही। उससे आपका जो बैटर है वो तो टेस्टी बनता है और सफिशेंट भी हो जाता है। तो आज भी मैंने वही किया, प्राणायाम करके आने के बाद मैंने बैटर को रेडी किया, डिशवॉशर चालू किया और साथ में यहाँ पे कट करके रख लिया है अनियन, टमाटो, कैप्सिकम और हरी मिर्च, और इनके साथ बनेगा अभी उत्तपम हम दो चारों तीनों के लिए। और आज दूध हो गया है ख़त्म, बहुत थोड़ा सा बाकी है, तो सोच रही हूँ सुबह सुबह चाय पी लूँ। और ठंड का मतलब हमारे घर में ये बड़े वाले बैंगन आने शुरू हो जाएंगे, वो भी ऑलमोस्ट 1 दिन छोड़ छोड़ के। क्यों? क्योंकि खाना है बैंगन का भरता, तो वैसे ये तो लंच में बनेगा बट मैं सोच रही हूँ इसको अभी ही रोस्ट करने डाल दूँ तो काम भी हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि आज मुझे शायद थोड़ा निकलना है हिया को लेके, बट देखते हैं। एक्चुअली उसको डेंटिस्ट के पास ले जाना है बट अगर अपॉइंटमेंट मिलता तभी जाऊंगी। और साथ में यहाँ पे कुकर में ऑलरेडी मैंने कल हम लोग मूली लाए थे काफी सारा और बहुत अच्छा उसका जो लीव्स थे बहुत अच्छे क्वालिटी का था, तो कल रात को ही मैंने चॉप करके बॉईल करके रख दिया है। फिलहाल ब्रेकफास्ट के साथ थोड़ा लंच का भी प्रिपरेशन कर लूंगी जिससे काम थोड़ा कम हो। तो चलो पहले बनाया जाए ब्रेकफास्ट और साथ में चाय। तो अभी मैं एक्चुअली
मेरे स्टडी टेबल जो मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया है उसका ऑर्गेनाइजेशन एंड डेकोर वीडियो को पोस्ट कर रही थी इसी चैनल में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डू गिव इट अ लुक, इस ब्लॉग के पहले ही मैंने उसको पोस्ट किया था। तो वही अपना पूरा यूट्यूब का एडिटिंग और पोस्टिंग ये सब काम आजकल अपने स्टडी टेबल में कर रही हूँ, तो मुझे बहुत कन्वीनियंट भी हो गया है। और हाँ, इसी बीच मिल गया है हिया का डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट, तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत लंच का प्रिपरेशन ऑलरेडी करके नाउ तैयार होकर जाना है डेंटिस्ट से मिलने। तो चलो नाउ लेट्स गो टू मीट आवर डेंटिस्ट एंड होपफुली हिया को जो प्रोसीजर है वो इजिली हो जाए। अभी ना यही दिन बाकी रह गया था देखना, क्योंकि निकलने का कोई मौका नहीं मिलता है और कहीं भी नहीं गए इस बार पूजा में। तो अभी ना कहीं अगर निकलने का मौका लगता है तो वही एक आउटिंग जैसा लग रहा है, ऐसा सेलिब्रेशन या फेस्टिवल टाइप लग रहा है। तो मैं पूरी तैयार हो गई हूँ, जा तो रही हूँ हिया के डेंटिस्ट के यहाँ, बट क्यों ना फुल रेडी हो जाओ तो ब्लॉग भी अच्छा बनता है और कुछ एक आध सेल्फी भी बनता तो है इस ऐसे मूड में। और सिर्फ मैं ही क्यों, मैंने हिया को भी रेडी कर दिया है। हिया ताका दिए क्या दिया ये हिया क्या बहाना आज हम लोग भी रेडी हो पाए। हिया इस ये दुर्गा पूजा वाला टॉप बट जीन्स के साथ पहन के पीछे ना जाएंगे, और ये जीन्स के साथ हिया ने पहना है। तो एक तरह से तीनों ही ऐसे सजधज के जा रहे हैं, ऐसे के पंडाल हॉपिंग के लिए जा रहे हैं। कोई नहीं, जो भी मौका मिले उसको सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। वैसे भी फेस्टिवल टाइम तो है तो सब चलता है, तो कोई अगर डेंटिस्ट के यहाँ और पेशेंट हो तो हम लोग को देख के सोचेंगे इन लोग कहीं बाहर घूमने गए थे वहां से आ रहे हैं। तो मैं आपको अपना फुल सूट दिखाऊं, वैसे ही आप देख चुके हो मेरे कुर्ती हॉल में, बट फिर भी एक बार और देखना तो बनता है। और हबी को भी मैंने नया वाला टी पहनने को बोला, क्योंकि एक टी उनका अभी तक पहनना नहीं हुआ था, तो आज उनको भी नया वाला पहनने को बोला। तो वही तीनों सज धज से कहाँ जा रहे हैं, डेंटिस्ट के यहाँ दांत क्लीन करने। तो अभी मैं और हिया और मतलब हम लोग तीनों बेसिकली चले डेंटिस्ट से मिलने, और ऐसा लग रहा है कि हम मस्ती करने जा रहे हैं। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं डेंटिस्ट का, ही हैवंट रीच्ड द क्लिनिक, तो बस 10 मिनट वेट करना है। और मैं हिया उन तीनों आर द फर्स्ट पेशेंट ओवर हियर राइट नाउ। हम लोग को आए करीब आधा घंटा हो गया है और आके सबसे पहले शावर ले लिया, बट आके ही मैंने नहा के सबसे पहले काम किया वो है झटाझट से भर वो बैंगन का भरता के लिए मसाला चॉप किया है। और आज मैं बनाऊंगी मूली के पत्ते का पराठा। एक्चुअली काफी सारा पत्ता था तो मैंने कल रात को बॉईल कर लिया था, तो आज सुबह मैंने पीस लिया उसको मिक्सी में और फिर उसको आटे के साथ डो बना लिया। और आटे में थोड़ा सा तेल नमक जीरा सूखी लाल मिर्च और हींग के साथ मैं बड़ा सा डो बना के गई थी। तो ये आफ्टरनून में हम लोग ये लेंगे, हिया को देंगे विद राइस, हिया को आफ्टरनून में पराठे नहीं दूंगी, रात को दूंगी। तो बस यही अब मुझे जल्दी जल्दी से बस कुकिंग करना है, क्योंकि 2 बज गया है और फिर थोड़ा सा बाहर निकलेंगे आफ्टर लंच। तो पहले मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। अभी एक्चुअली इवनिंग का टाइम और हम लोग दोनों जा रहे हैं वही हमारे घर के पास एक मार्केट है वहाँ पे। एक्चुअली हिया के लिए कुछ माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट दिया जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स का शॉप है वहाँ नहीं मिलेगा, और मुझे भी बहाना चाहिए था थोड़ा बाहर निकलने का, अदरवाइज ही कुड हैव गॉन अलोन ओनली। और एक और चीज़ जो मुझे ज़रूरत है वो है आई नीड सम पेंट्स, जो घर का जो मेन एंट्रेंस वाला डोर है
उसका पेंट बहुत खराब हो गया, तो मैं सोची थोड़ा अगर दिवाली के लिए कुछ चेंज किया जाए, तो इसलिए मैं और टपक पड़ी इनके साथ। आज हम लोग के पैर में चरखा लगा है, सुबह से हम लोग घूम ही रहे। पहले थोड़ा शॉपिंग पे गए थे, फिर चाय कॉफ़ी पी के फिर वॉक पे आए। तो आई थिंक ये मौसम का ही जलवा है कि इतना घूम पा रहे। बाय द वे कैमरा ट्राइपॉड पे नहीं है, ट्राइपॉड है वही मैनुअल जो पीछे चुपचाप खड़े हैं बिना आवाज़ किए हुए। आजकल हबी एवरी डे ऑलमोस्ट मुझे वॉक के बाद नारियल पानी पिलाते हैं। एक्चुअली आई एम टू फॉन्ड ऑफ कोकोनट वाटर, और साथ में अगर थोड़ा सा मलाई मिल जाए तो क्या बात। तो वही एक्चुअली मैं अभी नारियल पानी पी लेने के बाद उसका मलाई को लेके बैठी हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे मलाई खाना। बचपन से मुझे याद है हम लोग साउथ टूर में गए थे, तब भी मैं ऐसे मलाई के लिए पानी ज़्यादा पीती थी। और क्योंकि मौसम इतना अच्छा है ना, कि उस वजह से इतना मतलब बाहर जाके वॉक करना, काम से जाना हो पा रहा था। वैसे अगर बहुत गर्मी होती मुश्किल होता। तो एनीवेज चलो, इन लोग तो अभी जाएंगे आईपीएल देखने, ऑलरेडी पीछे चल रहा है टीवी, और मैं इसको ख़त्म करके फिर हम लोग जाएंगे लंच लेने। तो चलिए आज का ब्लॉग फिर, हाँ सॉरी डिनर लेने, मतलब शरीर नहीं थका है बट हाँ मेंटली थक जाते हैं सुबह से इतना भाग दौड़ करते करते। तो चलो अब मैं जाऊँगी अपना डिनर लेने, और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो होपफुली आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ फिर बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू सून, टेक केयर एंड स्टे सेफ।